सो बॉयज हियर वी आर फाइनली बैक एट हाशमी ऑटोमार्ट फैसिलिटी है। माशाल्लाह पेट्रोल में 40 रुपए और डीजल में 15 रुपए की कमी हुई है। इधर आई उसको रिवैम्प किया गया है और उसको क्लीन ऑफ क्लीनेस्ट ना मतलब एक्सट्रीम जितना मैं बेहतर कर सकता था वो करने की मैंने कोशिश की है। माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा है। खैर वो सब हम आपको दिखाएंगे इस एपिसोड में। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दराज के ऑफिस, ठीक है, और डीजल जो है वो भरवाना है, वो भरवाते हैं, दराज के ऑफिस जाते हैं और फिर जो है हम जाके जी पिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जी में क्या चेंजेस किए गए हैं। शुरू करता हूँ मैं आज के एपिसोड। तो बॉयज़ खुशखबरी है, माशाल्लाह पेट्रोल में 40 रुपये और डीजल में 15 रुपये की कमी हुई है। कल डलवाते डलवाते मैंने डीजल नहीं डलवाया और मेरे दोस्त ने 80 लीटर कल फ्यूल डलवाया और उसके बाद पैसे कम हो गए। 80 लीटर के ऊपर मतलब इतने पैसे बच जाते 14 या 40, 400 और 8-4 जा रही बताओ हरा रही यार 3200 रुपये बच जाते। ये मैंने अराई का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया ना खामोशी का। अभी बिल्कुल खामोश है, पर अभी मैं अराई को कुछ भी बोलूँगा अराई मुझे जवाब नहीं देगा। चलो भाई चल गया हमारा डीजल, लेट्स मूव टुवर्ड्स दराज। सो बॉयज़ हियर वी आर फाइनली बैक एट हाशमी ऑटोमार्ट फैसिलिटी। चलते हैं, हम चल के आपको गाड़ी चेक कराते हैं। गाड़ी की जो पेंट के था वो हो गया है, फ्रंट बम्पर पेंट किया हमने और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की मॉड्स की हैं वो सब हम आपको चेक कराते हैं। माशाल्लाह यार अलग ही मज़ा करा रही है कि नहीं करा रही। फिर हैं पहले ऐसा करें आप लोग सिनेमैटिक्स देख लें फिर हम करते हैं और बताते हैं आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में। Here's our Z. Z के अंदर बेसिकली हमने पिछला स्पॉयलर रीपेंट किया है, फ्रंट बम्पर रीपेंट किया है, वी गॉट दिस ब्यूटीफुल रियर डिफ्यूजर। अदर देन दैट जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो इंटीरियर में हुए हैं। इसका साउंड सिस्टम अपग्रेड किया गया है, उसके साथ साथ वी गॉट दिस अमेजिंग कार्बन फाइबर स्टेयरिंग व्हील। वी डिड जितना भी पार्ट था, उस जितना भी पार्ट रैप था बेसिकली पेपर में, उस सबको हमने कन्वर्ट कर दिया है ओरिजिनल कार्बन फाइबर में। अभी जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सब 100% ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। लेयरिंग हुई हुई है कार्बन फाइबर की। वी गॉट सम न्यू सीट कवर्स। उसके अलावा हमारा जो शिफ्टर का बूट है वो नया आ गया है और पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो अमेजिंग सी डिटेल हो गई है। स्पेशल थैंक्स टू हाशमी ऑटोमार्ट क्योंकि यार बड़ी अमेजिंग फैसिलिटी है। मैं बड़ा खुश रहता हूँ यहाँ पर आके क्योंकि इनके पास पेंट बूथ है, ठीक है, इनके पास एक नया क्रूज़र भी आया हुआ है, यहीं पे पेंट बूथ है, यहीं पेंट हो जाता है, ये रहा डिटेलिंग स्टूडियो, इधर डिटेल हो जाती है गाड़ी, रैप होने वाली हो तो रैप हो जाती है, सारे काम एक ही छत के नीचे आराम से हो जाते हैं। खैर अब हम चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। कॉइलओवर्स ले लिया मैंने सेलिका के तो वो ड्रॉप करने हैं, हम आपको मज़ीद सीन चेक कराते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर वर्कशॉप। सुबह हम हो गए थे लेट, सेलिका की टांगे उठी हुई हैं, सब सस्पेंशन खुला हुआ है सेलिका के लिए। मैं और अराई, थैंक यू अराई, आई लव यू, पूरा दिन सुबह से मेरे साथ खुआर हो रहा है। ये सस्पेंशन हम लेके आए हैं, कॉइल ओवर हैं ये, ठीक है, पीछे के स्प्रिंग है और चारों कॉइल ओवर हैं, ये लेके आए हैं। और जी जो है वो हमने अपने डिटेलिंग स्टूडियो में लगा दी है, ठीक है। इसके लिए जो है ना वो मैंने मंगवाई थी रेड कलर की सीट बेल्ट्स, ठीक है, मैं आप लोगों को सीट बेल्ट चेक कराता हूँ। ये इसकी सीट बेल्ट्स जो मैंने मंगवाई थी रेड कलर की सीट बेल्ट्स हैं, इंटीरियर से काफ़ी मैच होंगी तो ब्लैक सीट बेल्ट्स रिप्लेस हो जाएंगी रेड सीट बेल्ट से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आ रही फिर चस आ जाएगी, फिर चस आ जाएगी, चस
चस आ गई है। तो ये है और फिलहाल यही अपडेट है। सो भाइयों जी माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी लग रही है, पूरा जो इंटीरियर है वो रीडू हो गया है, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। नाउ आई कैन प्राउडली से वन ऑफ द क्लीनेस्ट जीज ऑफ पाकिस्तान। मेरे हिसाब से ना बिल्कुल माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गई हैं, जी हमारे सामने हैं। ठीक है, मैंने सोचा था कि आज मैं C63 थोड़ी सी चला लूँ, लेकिन यार कसम से हिम्मत ने अब दे दिया जवाब। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी पॉसिबल टुडे, टाइम भी हो रहे हैं रात के 9:30। ठीक है, तो आई थिंक सो अब जो है वो हमें मूव कर लेना चाहिए घर की तरफ। क्या बोलते हैं राई, चलें क्या? छुट्टी करें, छुट्टी करें, चलो आओ। छुट्टी करने से पहले, लेकिन छुट्टी करने से पहले मैं अपने अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज व्हेन आई लुक बैक और आज का टाइम देखता हूँ, तो मैं अपने परवरदिगार का शुक्र ही नहीं अदा कर सकता, अल्फाज नहीं है मेरे पास। मेरे मालिक का बहुत करम है, मेरे मालिक ने जिन चीज़ों से नवाजा कभी सोचा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको देख के स्पेशली बस थोड़ा सेंटी होने लग गया मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपडेट है। अभी मैं एक बात तो भूल ही गया था, हमारे पास पार्किंग की जगह ख़त्म हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, क्या सीन है? मेरे घर के नीचे पार्किंग है, वो भरनी है, ये हमारा मिशन है, ये मिशन है हमारा इंशाल्लाह। इधर एक खड़ी हो गई, उधर खड़ी हुई है सलेका, आरएक्स 8 गई हुई है रॉकेट बनी किट लगने के लिए। ठीक है, मेरे घर पे आ जाती हैं 3 गाड़ियाँ, उसके बाद चेजर बची, चेजर इसके घर के नीचे जा रही है। ई 36 जो है वो ले गया है वो मोहित, और मोहित की आरएक्स 8 भी पेंट होने के लिए गई हुई है, उसको भी हम फुल रिफ्रेश कर रहे हैं। तो खैर ये हैं सीन्स, चलते हैं एक बारी चेजर का वॉक अराउंड देते हैं, आपको चेक कराते हैं कि चेजर क्या बोल रही है। अबे नहीं, मैंने स्टार्ट छोड़ दी थी कि थोड़ी गर्म हो जाए। ये रही हमारी नई नवेली चेजर, ओवरऑल इट्स अ क्लीन कार, मतलब कोई डेंट्स नहीं है, कोई डिंग्स नहीं है, पर्ल वाइट पेंट जॉब है। क्वालिटी से पेंट के मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। लाइटें नहीं, मैंने ऑर्डर की हुई हैं, लाइटें नहीं आ जाएंगी इसमें, व्हील्स आएंगे, सस्पेंशन वर्क, कॉइल ओवर, इंटीरियर पार्ट्स, सब कुछ करेंगे, लेकिन वक्त के साथ टाइम मिले। मुझे ऐसा लगने लगा है कि कभी कभी ना मेरा वो जो नहीं होता, मतलब हम हवस दिखा देते हैं, ये मेरी हवस का नतीजा है। मिल लिया तो ले लो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये वाला नतीजा है। खैर चलते हैं हम घर की तरफ। हाँ हाँ जानी, गत्ते वत्ते देखना यार माशाल्लाह, एक एक चीज़ बिल्कुल ओके है, गत्ते वत्ते बहुत साफ है, इंटीरियर बहुत साफ है, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन माशाल्लाह माशाल्लाह, सब सब ओके है ब्रो। भाई लोग आए, मैं डर गया, मैंने कहा शॉपिंग गया आज मोबाइल। अच्छा भाइयों, तो सीन कुछ ऐसा हुआ था, जिस दिन हम लोग चेजर लेके आए ना, तो मोहित ने अंदर बैठते ही चेजर का एसी ऑन किया और उसके मुंह पे मिट्टी का भपका आया। ठीक है, और उसने एसी बंद कर दिया, बोला रेहान भाई एसी नहीं चल रहा। लेकिन अभी क्या हुआ कि ऑब्वियसली गाड़ियां हम जैसे पार्क कर रहे थे, तो अराई चेजर अपने घर लेके जा रहा था, अराई ने चेजर का एसी ऑन किया और उसका एसी चल रहा है, एसी उसका ऑन है। तो ये बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है, एसी उसका ऑन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी, जो जी का नया मेक ओवर है वो बहुत पसंद आया होगा। हमने जो है वो जो मेरे हिसाब से गाड़ी परफेक्ट होनी चाहिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से। ठीक है, स्पेशली जी या ऐसी कोई भी गाड़ी जो इतनी महंगी थी नहीं लेकिन हो गई है, तो उसको तो 100% 100 या 200% परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, दानियाल भाई जैसे अपनी जीज को कितने मतलब प्यार से और कितने संभाल के रखते हैं, और कितनी मतलब परफेक्ट जीज किसी ने रखी है, तो यार ही इज़ वन ऑफ द गाइज ना जिसकी जी बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगी ना। ठीक है, वरना फिर ऐसे भी केसेस हैं जी में, बहुत बुरे बुरे भी केसेस हैं जिसमें लोगों ने जीज अच्छी कंडीशन में नहीं रखी, तो यार इतनी महंगी हो गई हैं गाड़ियाँ, इनको मेंटेन रखना और टॉपना चढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और इस वजह से क्या नाम है यार, मेरी भी पूरी कोशिश थी कि जितनी बेहतर कर सकूँ मैं गाड़ी को करूँ, और अभी भी इट्स एन ऑन गोइंग स्ट्रगल, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। ठीक है, जब तक मेरे पास गाड़ी है वो चलती कम है और वो बेहतर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बस यही कोशिश रहती है कि यार बेहतर से बेहतर किया जाए चीज़। खैर ये थी हमारी आज की एपिसोड, मेरा मोबाइल हमेशा की तरह फिर से बजने लग गया है, तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।